आप सब जानते हैं कि दसेक लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, यह है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है। क्या आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं? ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि यह संविधान ही बदलना है और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजोकर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेकर चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। किसने क्या कहा, किसकी क्या सोच थी। फिर अंबेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नीयत का नहीं होगा, यह संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जहां बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, बेहयाई से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल के रख देंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान बदल के रख देंगे। ये शाश्वत है, इसमें संशोधन हो सकता है जरूरतों को हिसाब के हिसाब से। इस किताब को कोई खारिज करने की कोशिश करे तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं, देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के हर व्यक्ति, हर नागरिक, हमारा वोटर ना भी हो, उससे अपील करता हूं, देख लो इनके मंसूबे क्या। ये 15 में जो बात उन्होंने कही, 24 में दोहरा रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करेंगे। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाएगा उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला, प्रधानमंत्री जी बोले, हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है, भारत के संविधान पर कंप्लीट चुप्पी।